नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यपाल सिंह बलोदा आज आपके सामने एग्रीकल्चर का जो एग्रोनॉमी का टॉपिक है जो अपने जेट आईसीआर के अकॉर्डिंग जो अपना फर्स्ट चैप्टर है सस्से जलवायु खंड जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन, तो मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ जो अपन पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले जो अपना एग्रो क्लाइमेटिक जोन का टॉपिक है, फिर उसके बाद में जो अपना आएगा सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी आएगा, फिर जो राजस्थान के प्रॉब्लमेटिक सॉइल है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि अपन बात करते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन की, तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन अपने राजस्थान में कितने होते हैं, सस्य जलवायु खंड कितने हैं, तो सस्य जलवायु खंड कितने हैं राजस्थान में 10, और बात करें कि भारत में जो सस्य जलवायु खंड है वो कितने हैं 15। अब जैसे कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि भारत में राजस्थान कितने सस्य जलवायु खंडों के अंतर्गत आता है, भारत में राजस्थान कितने सस्य जलवायु खंडों के अंतर्गत आता है, तो वो कितने के अंतर्गत आता है, 4 के अंतर्गत। जो 4 के अंतर्गत आता है तो उसके अकॉर्डिंग फिर पूछा जाता है कि मुख्यतः भारत में राजस्थान कौन से सस्य जलवायु खंड के अंतर्गत आता है, तो वो कौन से के अंतर्गत आता है, 14वें खंड के अंतर्गत। ओके, लेकिन अपन तो यहाँ भारत की बात न करके राजस्थान की बात करेंगे कि राजस्थान में कितने सस्य जलवायु खंड हैं, तो राजस्थान में 10 सस्य जलवायु खंड हैं जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन राजस्थान में 10 है जिसके बारे में सबसे पहले यहां पर अध्ययन करेंगे, फर्स्ट ए की बात करेंगे। तो फर्स्ट ए का नाम क्या है, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। राजस्थान में जो फर्स्ट सस्य जलवायु खंड है फर्स्ट ए, उसका नाम है शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल जो होता है 4.74 मिलियन हेक्टेयर। कितना होता है, 4.74 मिलियन हेक्टेयर। अब जैसे एग्जामिनर पूछ लिया कि जो फर्स्ट ए सस्य जलवायु खंड है उसमें कौन से जिले आते हैं, तो वो कौन कौन से जिले हैं, बाड़मेर और जोधपुर। कौन कौन से जिले हैं, बाड़मेर और जोधपुर। या जैसे एग्जामिनर ऐसे पूछ ले कि बाड़मेर व जोधपुर कौन से सस्य जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं, तो कौन से के अंतर्गत आते हैं, फर्स्ट ए के अंतर्गत आते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो फर्स्ट ए सस्य जलवायु खंड है उसमें कौन कौन से संस्थान हैं अपने एग्रीकल्चर से संबंधित, तो सबसे पहले बात करेंगे काजरी, CAZRI। दूसरी बात करेंगे आफरी, तो काजरी कहाँ स्थित है, जोधपुर में, और कौन से जोन के अंतर्गत आता है, फर्स्ट ए के अंतर्गत आता है। कौन से के अंतर्गत आता है, फर्स्ट ए के अंतर्गत। फिर यहाँ बात करेंगे आफरी, आफरी का पूरा नाम क्या है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, अपन हिंदी में बात करते हैं शुष्क वानिकी अनुसंधान संस्थान, जो कहाँ स्थित है, जोधपुर में, और कौन से खंड के अंतर्गत आता है, फर्स्ट ए के अंतर्गत आता है, जिसका नाम क्या है, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। अब इसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं काजरी, तो काजरी का पूरा नाम भी जैसे एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है, तो अपन इंग्लिश में बोलते हैं कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या बोलते हैं, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर अपन हिंदी में भी अगर पूछ ले तो उसकी बात करेंगे, तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, क्या नाम है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जो कहाँ स्थित है, जोधपुर में, और उसकी स्थापना कब हुई, तो काजरी की स्थापना कब हुई, 1959 में। बहुत सी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि काजरी कहाँ स्थित है और उसकी स्थापना कब हुई, तो काजरी जोधपुर में स्थित है और उसकी स्थापना 1959 में हुई, जो कौन से खंड के अंतर्गत आता है, फर्स्ट ए के अंतर्गत आता है। तो ये फर्स्ट ए खंड की बात हो गई। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं दूसरे खंड की, फर्स्ट बी, फर्स्ट बी खंड का नाम क्या है, फर्स्ट बी का नाम क्या आएगा, सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। फर्स्ट बी खंड का नाम क्या है, सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल कितना आएगा, 2.10 मिलियन हेक्टेयर। कितना आएगा, 2.10 मिलियन हेक्टेयर, जिसमें जिले कौन कौन से आएंगे, गंगानगर व हनुमानगढ़। कौन कौन से जिले आएंगे, गंगानगर व हनुमानगढ़। अब गंगानगर हनुमानगढ़ में भी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का सबसे सिंचित क्षेत्रफल कौन सा है, राजस्थान का सबसे सिंचित जोन कौन सा है, अर्थात बोले तो खंड कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे सिंचित खंड कौन सा है, फर्स्ट बी। या जैसे बोला जाए कि राजस्थान का सबसे ज़्यादा कर्षित क्षेत्र वाला खंड कौन सा है, तो वो भी कौन सा आएगा, फर्स्ट बी। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं फर्स्ट सी जोन की, नेक्स्ट कौन सा है, फर्स्ट सी, जिसका नाम क्या आएगा, अर्ध शुष्क अर्ध सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्रफल, जिसमें जिले कौन कौन से आएंगे, जैसलमेर, बाड़, बीकानेर और चूरू। अब चूरू की कितनी तहसील आएंगी, 4 तहसील। अब जो इसका भौगोलिक क्षेत्रफल की अपन बात करते हैं, 7.70 मिलियन हेक्टेयर, इसका भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 7.70 मिलियन हेक्टेयर।
अब दोस्तों अपनी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा सस्य जलवायु खंड कौन सा है, तो फर्स्ट सी ही आएगा जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है 7.70 मिलियन हेक्टेयर। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसमें जो इससे संबंधित जो फर्स्ट सी के संबंधित जो भी ज़िले हैं जैसलमेर चूरू और बीकानेर, इसमें कौन कौन सी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। तो जैसे बात करें कि राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन से जोन के अंतर्गत आता है, तो वो कौन से जोन के अंतर्गत आएगा, फर्स्ट सी के अंतर्गत, क्योंकि राजस्थान का जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है वो स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1962 में हुई। फिर उसके बाद में उसे वर्तमान स्वरूप बीकानेर में 1987 में संचालित किया गया था। और जो यहाँ पे एस के नाम दिया गया है, एस के का नाम होता है स्वामी केशवानंद, जो कब दिया गया था 2009 में, कब दिया गया था, राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को स्वामी केशवानंद नाम कब दिया गया 2009 में, तब जाके इसका नाम एस के आर यू बना था। तो एस के आर यू कहाँ स्थित है, बीकानेर में, ठीक है। और जो कौन से जोन के अंतर्गत आता है, फर्स्ट सी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करेंगे CIAH जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, जिसे हिंदी में बोलेंगे केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। हिंदी में भी पूछ लिया जाता है कई बार कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, बीकानेर में स्थित है। ओके, जो कौन से जोन के अंतर्गत आता है, तो फर्स्ट सी जोन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करेंगे NRC केमल, NRC डेट पाम, मतलब बात करेंगे केंद्रीय खजूर अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय खजूर अनुसंधान संस्थान, या जो बात करें कि ऊँट अनुसंधान केंद्र की बात करें या खजूर अनुसंधान केंद्र की बात करें, तो ऊँट अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर में स्थित है और खजूर अनुसंधान जो संस्थान है, जो केंद्र है, वो भी बीकानेर में स्थित है। या फिर जैसे कई बार एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि एशिया की एकमात्र केमल डेयरी कहाँ स्थित है, तो वो भी कहाँ स्थित है, बीकानेर में। और जो कौन से जोन के अंतर्गत आती है, फर्स्ट सी जोन के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों ये आपके फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी तीनों ब्लॉक कंप्लीट हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं सेकंड ए की बात करेंगे, इसका नाम क्या है, अंतःकालीन जल निकास क्षेत्र या अंतःकालीन जलोस्तरण क्षेत्र भी बोला जाता है। जल निकास को अपन जलोस्तरण भी बोलते हैं। जो जल निकास क्या होता है, जल निकास वाटर ड्रेनेज, अतिरिक्त जल को बाहर निकालना। जैसे अपना कोई भी खेत है उसमें आवश्यकता से अधिक जल भर गया, उसको कैसे अपन बाहर निकालेंगे, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, जल निकास। मतलब जल निकास क्या है, वाटर ड्रेनेज क्या है, आवश्यकता से अधिक जल को अपन बाहर निकाल लेंगे, उस क्रिया को क्या बोलेंगे अपन, जल निकास बोलेंगे, वाटर ड्रेनेज। तो फर्स्ट सेकेंड ए का नाम क्या है, अंतःकालीन जल निकास या जलोस्तरण क्षेत्र, जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है 3.69 मिलियन हेक्टेयर, जिसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं, मतलब सेकंड ए जो जोन है उसके अंतर्गत कौन से ज़िले आते हैं, तो सीकर, झुंझुनू और नागौर। अब सीकर, झुंझुनू, नागौर में अगर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, संस्थान की बात करेंगे, तो बात करते हैं कि जैसे राजस्थान का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कौन से जोन के अंतर्गत आता है। दोस्तों जेट, ICRBHU, कोई भी एग्ज़ाम हो जो कम्पिटिटिव अपने एग्रीकल्चर से संबंधित है, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई राजस्थान का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है और उसकी स्थापना कब हुई, तो कहाँ स्थित है, फतेहपुर सीकर में स्थित है, और जिसकी स्थापना कब हुई 1976 में। अब जैसे 1976 वाले की बात करते हैं, इसी प्रकार जैसे बात करेंगे कि भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है और उसकी स्थापना कब हुई, तो पांडिचेरी में स्थित है और उसकी स्थापना 1974 में हुई, ठीक है। तो ऐसे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करेंगे, झुंझुनू में कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है नहीं और नागौर में भी कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड बी खंड का नाम क्या है, लूनी नदी का अंतर्वर्ती क्षेत्र। तो लूनी नदी का अंतर्वर्ती क्षेत्र जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है 3.0 मिलियन हेक्टेयर, जिसमें कौन कौन से जिले आएंगे, जालौर, पाली और सिरोही। मतलब जो राजस्थान का सेकंड बी जो खंड है उसमें जालौर, पाली और सिरोही ज़िले आएंगे। अब जालौर, पाली और सिरोही में कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसमें जालौर में अगर बात करते हैं तो जालौर में क्या है, सर्वाधिक इसबगोल उत्पादन कौन से खंड के अंतर्गत होता है या कौन से ज़िले में होता है, तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि सर्वाधिक इसबगोल का उत्पादन कहाँ होता है, तो या कौन से खंड में होता है, तो कौन से खंड में होता है, सेकंड बी में होता है।
फिर बात करें कि सबसे ज़्यादा मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सोजत पाली की मेहंदी प्रसिद्ध है, तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। और सिरोही के क्या प्रसिद्ध हैं, चीकू, चीकू कहाँ के प्रसिद्ध हैं, सिरोही के। तो दोस्तों इसी प्रकार जैसे बात करेंगे अपन, ये फर्स्ट ए भी हो गया, फर्स्ट सी, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकेंड ए और सेकेंड बी, जोन कम्प्लीट। अब नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड ए की। थर्ड ए का नाम क्या है, थर्ड ए का नाम है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अर्ध शुष्क का मतलब आधा सूखा है, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जिस जो कौन सी जिले आ रहा है दिशा में, पूर्वी दिशा में। तो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र में 2.96 मिलियन हेक्टेयर इसका भौगोलिक क्षेत्रफल है, और इसमें जिले आएंगे जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा। जिसमें जयपुर की बात करें तो NIAM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहाँ स्थित है, जयपुर में स्थित है। या स्वामी के जो SKNAU यूनिवर्सिटी है, श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, तो वो भी कहाँ स्थित है, जयपुर जोबनेर में स्थित है। जैसे बात करें कि राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय तो कौन सा है, बीकानेर वाला SKRAU बीकानेर। और बात करें कि राजस्थान का प्रथम कृषि महाविद्यालय कौन सा है, तो वो कौन सा है, जोबनेर वाला, ठीक है, SKN जोबनेर। महाविद्यालय की बात करेंगे तो जोबनेर आएगा, और कृषि विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो SKRAU बीकानेर आएगा। फिर इसी प्रकार बात करेंगे CSWRI, तो CSWRI का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल सिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट। CSWRI सेंट्रल सिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिंदी में बोले तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, अविका नगर टोंक में स्थित है, अविका नगर टोंक में स्थित है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि CSWRI कहाँ स्थित है और कौन से जोन के अंतर्गत आता है, तो थर्ड ए जोन के अंतर्गत आता है और अविका नगर टोंक में स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन भी कर लेना दोस्तों, ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन, तो दोस्तों अपने नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पे अभी थर्ड बी की। थर्ड ए तक कंप्लीट हो गया, थर्ड बी की बात करेंगे, जिस खंड का नाम क्या है, खंड का नाम है बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र। खंड का नाम क्या है, बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 2.66 मिलियन हेक्टेयर। अब इसमें जो भौगोलिक क्षेत्रफल 2.66 मिलियन हेक्टेयर है, उसके बाद में अपन बात करेंगे कि जिले कौन कौन से आएंगे, तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर। तो अभी यहाँ दोस्तों बात करेंगे कि अलवर में कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है क्या, तो अलवर में कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है। भरतपुर की बात करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हाँ, तो दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पे थर्ड ए के बाद में थर्ड बी की बात करेंगे, जिसमें खंड का नाम क्या होगा, थर्ड बी का खंड का नाम क्या है, बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 2.66 मिलियन हेक्टेयर। कितना है, 2.66 मिलियन हेक्टेयर। अब यहाँ बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो थर्ड बी में कौन कौन से जिले आते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर। अब यहाँ पे कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे कि अलवर में कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है क्या, तो अलवर में कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है। बात करते हैं भरतपुर में, तो भरतपुर में कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कि सरसों अनुसंधान निदेशालय NNRC डेटपॉम, जो कहाँ स्थित है, सेंवर भरतपुर में स्थित है, जो आजकल इसका नया नाम हो गया DRMR डायरेक्टरेट रैपसीड मस्टर्ड, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं सरसों एवं तारामीरा अनुसंधान निदेशालय, जो कहाँ स्थित है, सेंवर भरतपुर में। कौन से जोन के अंतर्गत आता है, तो वो थर्ड बी जोन के अंतर्गत आता है। बात करते हैं धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर, तो यहाँ से कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन फिर भी जैसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा अमरूद का उत्पादन कहाँ होता है या कौन से जोन के अंतर्गत आता है, तो थर्ड बी सवाईमाधोपुर के अंतर्गत होता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे फोर्थ बी। फोर्थ बी का भौगोलिक जो खंड का नाम है वो क्या होगा, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 3.36 मिलियन हेक्टेयर। कितना है, 3.36 मिलियन हेक्टेयर। अब इसमें कौन कौन से जिले हैं, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। अब उदयपुर में क्वेश्चन बनता है कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो उदयपुर में तो राजस्थान का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय ही है। राजस्थान का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो उदयपुर में स्थित है, जिसका नाम क्या है, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी MPUAT, जिसकी स्थापना कब हुई, 1999 में। बात करें राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वो तो है SKRAU बीकानेर, और दूसरा है MPUAT उदयपुर। तो बात करते हैं कि राजस्थान का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय कौन से खंड के अंतर्गत आता है, तो कौन से खंड के अंतर्गत आएगा, फोर्थ बी के अंतर्गत आएगा। अब इसके बाद में चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ बी के बाद में बात करेंगे, फोर्थ ए के बाद में फोर्थ बी की बात करते हैं। फोर्थ बी का नाम क्या है, आर्द्र दक्षिणी मैदानी
क्षेत्र आद्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है 1.72 मिलियन हेक्टेयर कितना है 1.72 मिलियन हेक्टेयर जिसमें कौन कौन सी जिले आते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब डूंगरपुर में कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है, बांसवाड़ा में भी नहीं है, लेकिन बांसवाड़ा में ARS है एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन, लेकिन उसका कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान का ऐसा कौन सा ज़िला है जिसमें मक्का की दोनों ऋतुओं में खेती की जाती है, तो राजस्थान का ऐसा कौन सा ज़िला है जिसमें मक्का की दोनों ऋतुओं में खेती की जाती है, तो वो कौन सा है बांसवाड़ा, जो कौन से खंड के अंतर्गत आता है तो 4th B के अंतर्गत आता है। और महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी शॉर्ट में बोले तो MPUAT कौन से खंड के अंतर्गत आता है 4th A के अंतर्गत आता है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है 3.36 मिलियन हेक्टेयर है। अब लास्ट अपन जोन की बात करेंगे 5th अति आद्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अति आद्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र चारों दिशाओं में घूम के लास्ट में आ रहे हैं, लास्ट में पांचवा खंड आएगा, लास्ट की दिशा भी जो आएगी अपन पश्चिम से स्टार्ट हुए थे, पश्चिम से कहाँ आए थे उत्तर में, उत्तर से कहाँ आए फिर 3rd ब्लॉक में पूर्व में, और पूर्व से फिर 4th ब्लॉक में इसमें दक्षिण में। अब लास्ट जो 5th ब्लॉक आया दक्षिण में वो वापस घूम के कहाँ जा रहा है पूर्व की ओर, तो क्या नाम आ रहा है अति आद्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अपन मैदानी क्षेत्र न बोल के उसको पठारी क्षेत्र भी बोल सकते हैं क्योंकि पठार है वहाँ पे, पहाड़ी क्षेत्र है। अब इसका भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है 2.70 मिलियन हेक्टेयर इसका भौगोलिक क्षेत्रफल है, जिसमें कौन कौन सी जिले आते हैं कोटा बूंदी बारा और झालावाड़। अब कोटा में क्या है कोई रिसर्च स्टेशन नहीं है, बूंदी में भी नहीं है, बारा में भी नहीं है, और झालावाड़ में है। झालावाड़ में क्या है उद्यानिकी, राजस्थान का एकमात्र उद्यानिकी व वानिकी महाविद्यालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है झालरापाटन झालावाड़ में। जो पिछली बार जेट 2019 में क्वेश्चन आया था कि भारत का एकमात्र उद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है और उसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय, जो कहाँ स्थित है सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लेकिन राजस्थान की बात करें कि राजस्थान का एक महाविद्यालय उद्यानिकी व वानिकी महाविद्यालय वो कहाँ है झालरापाटन झालावाड़ में। लेकिन फिर भी जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कोटा में क्या सबसे ज़्यादा क्या उत्पादित होता है, आलू उत्पादन होता है, बूंदी में क्या होता है क्षेत्रफल किसका है तो चावल है, बारा में क्या है वो बारा का भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे झालावाड़ में सबसे ज़्यादा संतरा उत्पादन कहाँ होता है तो भवानी मंडी झालावाड़ में होता है, और रामगंज मंडी कोटा में क्या है सबसे ज़्यादा धनिया उत्पादन होता है। इसी के साथ साथ जैसे झालावाड़ में बात करें जो प्रसिद्ध मेले अपने पशुपालन में पूछे जाते हैं कि चंद्रभागा पशु मेला कहाँ स्थित है, तो चंद्रभागा पशु मेला कहाँ स्थित है झालरापाटन झालावाड़ में, और गोमती सागर पशु मेला कहाँ स्थित है वो कहाँ स्थित है झालरापाटन झालावाड़ में। तो ये कंप्लीट जोन की अपन बात करते हैं। अब दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चन पुटअप होंगे वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके, हाँ तो दोस्तों मैं जो भी आपको इम्पोर्टेंट बातें बताने जा रहा था कि भारत में जो शुष्क जलवायु खंड हैं वो कितने हैं 10 हैं, और राजस्थान में कितने हैं सॉरी भारत में कितने हैं 15 और राजस्थान में कितने हैं 10 शुष्क जलवायु खंड हैं। लेकिन बात करें कि योजना आयोग के अनुसार भारत में कितने शुष्क जलवायु खंड है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो टेक्निकल असिस्टेंट कोटा के एग्जाम में पूछा हुआ था कि योजना आयोग के अनुसार भारत में कितने शुष्क जलवायु खंड है, तो कितने हैं 15 हैं। अब बात करें कि ICAR के अनुसार कितने हैं, तो ICAR के अनुसार कितने शुष्क जलवायु खंड हैं 8 हैं। अब यहाँ बात करेंगे NARP के अनुसार, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोग्राम के अनुसार बात करेंगे तो कितने शुष्क जलवायु खंड हैं 131, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद में जो अभी बात करते हैं NBSS & LUP जिसका पूरा नाम क्या होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, NBSS & LUP नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के अनुसार भारत में कितने शुष्क पारिस्थितिकी खंड हैं एग्रो इकोलॉजिकल जोन है, तो कितने होंगे 21 होंगे। ओके ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में राजस्थान कितने शुष्क जलवायु खंडों के अंतर्गत आता है, तो वो 4 के अंतर्गत आता है, और मुख्यतः कौन से के अंतर्गत 14वें खंड के अंतर्गत आता है। वो 4 कौन कौन से हैं 6, 8, 9 और 14 6, 8, 9 और 14 और मुख्यतः 14वें खंड के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं कि राजस्थान की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो कितनी है 575 mm, जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी
बात करते हैं अपन नेक्स्ट की, राजस्थान की तो 575 mm है, लेकिन भारत की कितनी औसत वार्षिक वर्षा है, तो 1194 mm है। लेकिन जो पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वो 1194 को सही नहीं मान के 1200 mm को माना था, उसमें ऑप्शन में 1194 mm भी दे रखा था और 1200 mm भी दे रखा। तो आप लोगों को दोस्तों, आप लोग जो है 1200 mm ही याद करना कि जो भारत की औसत वार्षिक वर्षा है वो 1200 mm है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर्वाधिक पशुधन वाला खंड कौन सा है, सर्वाधिक पशु खंड जो पशुधन खंड है वो कहाँ का है, बाड़मेर का है। तो सर्वाधिक पशुधन खंड फर्स्ट ए, जो बाड़मेर और जोधपुर नाम आ रहा था। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि सर्वाधिक अनाज उत्पादक खंड, तो पहले तो अपने दिमाग में ये होना चाहिए कि सर्वाधिक अनाज उत्पादन वाला राज्य कौन, सॉरी जिला कौन सा है, तो गंगानगर है। अब गंगानगर कौन से खंड में आता है, तो वो कौन से खंड में आता है, फर्स्ट बी में। फर्स्ट बी का नाम क्या था, सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जो मैंने आपको पहले बता दिया। फिर उसके बाद में आप लोगों के सामने नेक्स्ट है सबसे कम कर्षित वाला खंड, सबसे अधिक वाला हो गया, सबसे कम कर्षित वाला खंड है। पहले खंड की बात नहीं करके अपन बात कर लेते हैं कौन सा जिला है, तो जिला कौन सा है, उदयपुर। अब उदयपुर कौन से खंड में आता है, वो कौन से में आता है, फोर्थ ए के अंतर्गत आता है, उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, जिसमें सबसे कम खेती की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सबसे अधिक कर्षित वाला खंड कौन सा है, वो कौन सा है, थर्ड बी। अब थर्ड बी खंड है, लेकिन पहले बात ये आनी चाहिए अपने दिमाग में कि सबसे पहले कौन सा जिला है, तो जिले की बात करेंगे तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर, जिसमें सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। तो खंड का नाम क्या है, थर्ड बी, ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं सबसे अधिक वर्षा वाला खंड, लेकिन खंड से पहले बात करेंगे सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो कौन से जिले में होती है अपने राजस्थान में, तो झालावाड़ में होती है। अब झालावाड़ कौन से खंड में आता है, तो झालावाड़ कौन से खंड में आएगा, फिफ्थ खंड में आएगा, जिसकी औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 650 से 1000 mm होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि सबसे कम वर्षा वाला खंड कौन सा है, तो खंड से पहले वही जिले की बात करेंगे कि कौन कौन से जिलों में होती है, तो बीकानेर में होती है, चूरू में होती है, सबसे कम वर्षा होती है। अब जिला कौन सा है, वो बीकानेर और चूरू कौन से खंड में आते हैं, फर्स्ट सी में, जिसका नाम क्या था, अर्धशुष्क अर्धसिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जिसका औसत वार्षिक वर्षा की बात करेंगे तो 100 से 300 mm उसकी औसत वार्षिक वर्षा है। और लास्ट अपन बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा खंड कौन सा है, जो मैंने आपको 10 खंड बताए थे उसमें सबसे छोटा खंड कौन सा आया था, फोर्थ बी। फोर्थ बी का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना था, 1.72 मिलियन हेक्टेयर, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा खंड कौन सा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा खंड कौन सा है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे छोटा खंड होगा वो फोर्थ बी होगा, जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 1.72 मिलियन हेक्टेयर है। और लास्ट बात करते हैं कि सबसे बड़ा खंड है वो कौन सा है, फर्स्ट सी, जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 7.70 मिलियन हेक्टेयर। तो ये आज का अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ सस्य जलवायु खंड का, इसको अच्छे से पढ़ना। अगर कोई भी एक बात समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देना और इसको लाइक शेयर जरूर करना, और समझ में आए तो इसको सब्सक्राइब करके आगे शेयर करना। थैंक यू।